और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर रायपुर में हुई बस दुर्घटना को लेकर ओडिशा के मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से जहां पर 3:30 बजे सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें एक ट्रक से एक यात्री बस जो है वो टकरा गई थी, जिसमें 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आपको बता दें सभी मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा यहां पर की है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने यह संज्ञान लिया है। सीएम ने मंत्री सुशांत सिंह को रायपुर जाने के निर्देश भी दिए हैं। हमारी सहयोगी निधि हमारे साथ इस खबर पर जुड़ी है। निधि, आज बेहद ही भीषण सड़क हादसा हुआ था रायपुर में, जिसके बाद ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने इस पर संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने सुशांत सिंह को निर्देश दिया है रायपुर आने का। इस वक्त क्या स्थिति है वहाँ? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से आज सुबह ही रायपुर में एक बड़ा हादसा हुआ है, उस सड़क हादसे में जो है जो बस थी उसमें 50 से 60 मजदूर सवार थे। एक ट्रक तेज रफ्तार जो कि रॉन्ग साइड में चल रही थी, उस ट्रक ने इतनी जोर से टक्कर मारी कि उस बस में सवार 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और उन्हें काफी जल्दी पुलिस प्रशासन के पहुंचने के बाद मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान एक और मरीज की मृत्यु हो गई। यानी कि कुल 7 मजदूरों की मौत हो गई है और लगातार सुबह से ही ये जो मामला है वो हम आपको बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। एक बार अब इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में इस हुई दुर्घटना में मरने वाले 7 मजदूरों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। क्योंकि जिस तरह से यह हादसा हुआ है, बिल्कुल बेवजह बिना किसी कारण के इन 7 मजदूरों की मौत हो गई। इस हादसे में 15 से 20 मजदूर जो है वो गंभीर रूप से घायल है। हालत काफी चिंताजनक उनकी बनी हुई है और रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में उनका इलाज जारी है। इसके साथ ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने जो उड़ीसा के ही श्रम मंत्री हैं, उन्हें सुशांत सिंह को तत्काल रायपुर जाने के जो निर्देश है वो उन्हें दिए हैं कि वो मौके पर जल्द से जल्द वहां पर पहुंचे और पूरा जायजा ले किस तरह से क्या हादसा हुआ है, कितने लोगों को जरूरत है मदद की। तो इस तरह से जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की है कि 7 लोग जिनकी मृत्यु हुई है उन्हें 2-2 लाख रुपए की राशि जारी की जाए और 1 से आधे घंटे में ही यहाँ पर श्रम मंत्री जो है उड़ीसा के सुशांत सिंह वो भी पहुंच जाएंगे रायपुर में और यहाँ पर आकर पूरे मामले का वो जायजा लेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निधि हमारे साथ इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लगातार आपसे इस खबर पर हम अपडेट लेते रहेंगे। तो आज रायपुर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ था। सुबह 3:30 बजे यह हादसा हुआ है, जहां पर एक बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई थी और इस हादसे में अगर घटनास्थल की बात करें तो 7 मजदूर घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई थी। उसके अलावा 1.5 दर्जन से ज़्यादा मजदूर इसमें घायल हुए थे। कई की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसमें से कुछ को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था तो कुछ को रायपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि इस मामले पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है और अब ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है।